जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। एक तो अभी मेरा थोड़ा नया स्टाइल देख रहे होंगे आप, हेयर स्टाइल। बेसिकली दो रीज़न है इसके। पहला रीज़न ये है कि अभी हमारे एरिया में काफ़ी ठंड है, और ठंड के मौसम में कैप लगा के रखना पड़ता है, तो हर समय बाल जो है बिल्कुल बेकार रहते हैं, पहले से ही काफ़ी बेकार है मेरे। और दूसरा रीज़न दोस्तों, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर आपके बिल्कुल छोटे बाल होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, तो उसकी रियलिटी अच्छे से चेक मैं कर सकता हूँ। तो इस वजह से ये बाल बिल्कुल छोटे करा रखे हैं मैंने। अभी दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको पता होगा कि आपको नहीं पता होगा सॉरी आपको नहीं पता होगा कि मैं आदिवासी ऑयल और काफ़ी हेयर प्रोडक्ट और हेयर के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है डालता हूँ अपने चैनल पर। आदिवासी ऑयल की मैंने पूरा रिव्यू अपने चैनल पर डाल रखा है, उससे रिलेटेड हर एक बात आपसे शेयर कर रखी है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक चीज़ और महसूस करी है कि इतना ज़्यादा हाइप बनी हुई है आदिवासी ऑयल की कि हर एक बंदा इसके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि बालों की समस्या ऐसी कि लगभग 80-83% लोगों को हमारे देश में ये समस्या है। अब आदिवासी ऑयल बहुत सारे लोग दावा करते हैं आदिवासी ऑयल, क्योंकि ये कोई ब्रांड नहीं है आदिवासी ऑयल, ये एक सिर्फ नाम है आदिवासी ऑयल, और तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करें तो कैसे ऑर्डर करें, तो इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, और बताऊंगा भी कि क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि मैंने 4 महीने इसको यूज़ किया है, तो एंड में वही बताऊंगा कि कितना फ़ायदा करते हैं। सबसे पहले भाई चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरी देखना ताकि आपकी बात पूरी समझ में आए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, चैनल को, टेलीग्राम जो चैनल है, और आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। देखिए दोस्तों, आदिवासी ऑयल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और नॉर्मली काफ़ी सारी जगह पर आपने इस भाई की फ़ोटो देखी होगी, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम है विनय, और जो ये है हर एक वीडियो में आ रहा है, जो नहीं भी है इससे रिलेटेड वो भी लोग काफ़ी सारे इन्हीं की फ़ोटो लगा के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कुल मिला के धंधा चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है सबका। और बहुत सारे लोग मेरे से शिकायत करते हैं, काले पानी जैसा आ गया, पानी जैसा ऑयल आया है, ये तो बेकार आ गया, 260 रुपया खरीदा, 500 रुपया खरीदा। नहीं देखो, नंबर जो है नीचे आ रहे होंगे, और ये नंबर बिल्कुल 100% ओरिजिनल आदिवासी ऑयल जो विनय भाई है इनके द्वारा जो चलाया गया ये चीज़, जिससे ये फेमस हुआ आदिवासी ऑयल, ये है। और यहाँ पर अगर आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठेगा नहीं, और उठ भी गया तो बहुत रूडली बिहेवियर रहता है इन लोगों का, क्योंकि अब बिक्री बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो आपको करना क्या है, अगर आपको आदिवासी ऑयल मंगाना है तो आपको व्हाट्सअप करना है इनके नंबर पर, वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ लिखा गया, अपना नाम पता फलाना ढिमका ये सब लिख के भेज दो, और 1500 रुपये का 500 ml की शीशी है, किसी को 1300 की भी दे देते हैं, क्योंकि कोई फिक्स प्राइस है नहीं, जैसा हिसाब लगा ऐसे भेज देते हैं ये लोग। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी मंगाना है, मैं सजेस्ट करूंगा कैश ऑन डिलीवरी होगा, ऑनलाइन पेमेंट ना करें, तो ऑयल आ जाएगा आपका पोस्ट से, पैसे दो और ऑयल ले लो। इनका कहना है कि 1 साल से 80 साल तक का कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट वगैरह है नहीं, मैंने भी यूज़ किया है। दूसरा जो ऑनलाइन लोग मंगाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक और भाई हैं, संदीप भाई, जो मैसूर कर्नाटक से ही हैं, और ये भी दावा करते हैं कि हमारा जो आदिवासी ऑयल है वो ओरिजिनल है, बाकी सब का फेक है। इनकी भी जो कीमत है वो 1500 रुपये 500 ml है। तो दोनों ही लोग जो हैं जेन्युइन है, मैं कहूँगा इसलिए जेन्युइन है क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे जितना मैंने मतलब कोशिश करी जानने की, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं लोग ये, और मैसूर जो जगह है कर्नाटक से, वहीं से ही दोनों लोग आते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो अगर आप ऑयल ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है, नीलंबरी हर्बल हेयर ऑयल के नाम से वेबसाइट है, वेबसाइट पूरी मैं डिटेल डाल दूंगा भाई, याद नहीं रहती सब चीज़ें। और अगर आप विनय भाई से लेना चाहते हैं तो उनका सिंपल तरीका है कि आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करके वो आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे, दे दो भाई और तुम्हारा ऑयल वापस मतलब घर पे आ जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा, मैंने खुद
4 महीने यूज़ किया है ऑयल, अभी मैं नहीं कर रहा। अभी मैं एविमी का जो है ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी दावा करता है हेयर रीग्रोथ के लिए। तो मैंने आदिवासी ऑयल 4 महीने यूज़ किया, बिल्कुल ओरिजिनल वाला यूज़ किया। एक सवाल ये भी है, सर्दियों में जमता है क्या? जमता है भाई, तो ये बार बार क्वेश्चन आते, इसलिए जवाब दे दिया मैंने जल्दी से। तो मेरा जो मेन चीज़ थी, मतलब जो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी बालों की रीग्रोथ को लेकर। आपको पता लग ही रहा होगा भाई, बाल बहुत हल्के हैं, तो बालों की रीग्रोथ को लेकर बहुत सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी बालों का वाइट हो रहा है तो बाल काले हो पाएंगे, क्योंकि ये तो कहते हैं भैया हो जाएंगे। तीसरी जो समस्या थी वो थी डैंड्रफ से रिलेटेड, तो इस तरह की समस्या थी। और चौथी रिलेटेड, चौथी जो समस्या थी वो थी जो बालों का टूटना झड़ना है वो बंद। देखो ना, तो ये बालों की रीग्रोथ करता जरा सी भी। अगर आप गंजापन आ रहा है या बाल टूट रहे हैं, सॉरी टूट नहीं रही, गंजापन आ रहा है और आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है ऐसे जैसे यहाँ से मेरी जा चुकी, तो ये कुछ नहीं करेगा। बाल अगर आपके सफ़ेद हैं तो काले नहीं करेगा ये। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके डैंड्रफ वगैरह है तो उसमें बेनिफिट नहीं करेगा। तो अपना पैसा जो है ना, फूको मत, समझो। मेरी वीडियो देखोगे ना तो भाई तुम्हारा पैसा ही बचेगा। और एक चीज़ में बेनिफिट मुझे जो लगा है, जो हम मैंने हमेशा एक वीडियो में कहा, क्योंकि देखो मैं किसी भी इंसान के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहता, जो सच है सिर्फ वही बताना चाहता हूँ। बालों का टूटना झड़ना कम होता है इस ऑयल से, मैंने महसूस किया है ये बात। 60% के लगभग आपका बालों का टूटना झड़ना कम हो जाता है। और अभी रिसेंटली मुझे एक मेरे फ्रेंड मिले बहुत पुराने, तो वो भी यूज़ कर रहे थे, उनको अभी पता लगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालता हूँ। उसने भी मेरे से ये बात कही कि बालों का टूटना झड़ना कम होता है। तो बस ये एक बेनिफिट मुझे इस ऑयल का जरूर लगा है, बाकी कुछ भी नहीं लगा भाई, कुछ भी। जहाँ तक साइड इफेक्ट वगैरह की बात है, तो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट वगैरह मुझे नहीं किया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आता या समझना चाहते नहीं वो, मैंने आदिवासी ऑयल की लगभग लगभग 15-20 वीडियो डाली होंगी अपने चैनल पे आज तक, हो सकता है कम ज़्यादा हो। तो मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि आदिवासी ऑयल जो है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है भाई, नहीं है। आप अमेजोन पे जाकर वहाँ पे आदिवासी ऑयल सर्च करोगे, 1001 आदिवासी ऑयल आ जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे भी ऐसे ही होगा, मीशो पे भी ऐसे ही होगा, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ऑनलाइन आदिवासी ऑयल नहीं बिकता। मैं सिर्फ जो वेबसाइट लिख रहा हूँ, जो या फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, सिर्फ वहाँ से आप मंगा सकते हो। इसके अलावा कहीं से भी ट्राई मत करो, वरना भाई फेक ही आइटम मिलेगा। 400, 500, 600 रुपये का, 200 रुपये का, 250 रुपये का नहीं आ रहा। 1500 रुपये का 500 ml है और 2500 रुपये का 1 लीटर है। 3 महीने, 3-4 महीने चल जाता है 500 ml। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 500 ml की शीशी मंगाओ पहले, इससे बड़ी मत मंगाओ। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल, आशा करता हूँ समझ में आई होगी, बात अच्छी लगी होगी। चैनल भाई सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, टेक केयर।